कोरोना का असर एक बार वापस से भारत में देखने को मिल रहा है। एक बार वापस से कोरोना के कहर को लेकर लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार राज्य सरकार के द्वारा, साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को एक बार वापस से मास्क पहनने को लेकर, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने को लेकर, इन तमाम चीज़ों के गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी, धनबाद के बस स्टैंड और धनबाद के रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई, यानी कि बाहर से जो भी यात्री आएंगे उन लोगों की सबसे पहले यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यानी कि एक बार वापस से पहले की स्थिति हम देख सकते हैं, ताकि वैसी भयावह स्थिति ना देखने को मिलाई। हम जानते हैं कि कब से यहाँ पर जांच अभियान किया जा रहा है और अभी तक क्या एक भी कुछ वैसे मरीज मिले हैं जिनके टेम्परेचर बढ़े हुए? आप बताइए कि यहाँ पर आप कब से जांच अभियान चला रहे हैं? यहाँ पर थर्सडे से चल रहा है और अभी तक वैसा मरीज नहीं पाया गया है जिसका टेम्परेचर हाई है, वैसा कुछ नहीं पाया गया। कितने लोग हैं यहाँ पर जो जाँच अभियान में लगे? 8-8 घंटा करके 3 शिफ्ट में यहाँ पर हो रहा है। मेरा जैसे शिफ्ट अभी 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट को आएंगे। कोई जागरूकता नहीं है अभी तक, तो ऐसा मास्क वगैरह कोई पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन को भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी जाके ये कोरोना रोकथाम हो पाएगी, वरना मुश्किल। सतर्क का यहाँ कुछ व्यवस्था है ही नहीं है। व्यवस्था तो होना चाहिए। एगो थर्मल स्क्रीनिंग जाँच करने वाला एक आदमी है, 56 आदमी आने जाने वाला है एनी टाइम। 2 गो का होता है, 4 गो का नहीं होता है। जांच कम से कम बड़ी जब होना ही तो थोड़ा बढ़िया से होना चाहिए, ताकि आदमी को लगे जन जांच हो रहा है वहाँ। यानी आप कोरोना के लेके अभी जागरूक तो उतना नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ऊपर से अथी होगा तो फिर मास्क लगावेगा सब। अभी तो वैसा कोई जागरूक पता नहीं लग रहा है। अभी किसी के अंदर आपको वैसा डर भी देखने को नहीं मिला? ना, अभी देखने को डर नहीं मिल रहा है। प्रत्येक दिन हाँ हो रहा है। क्या लगता है कि अभी और क्या क्या जरूरत है कोरोना एक बार वापस से आ रहा है ऐसे में आपके हिसाब से? मास्क तो लेना जरूरी है, बट हम अभी लगाए नहीं है क्योंकि हमारे चल के तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और बाकी वैक्सीन वगैरह लगा लेना चाहिए और किसी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, बस यही सब। अरे मास्क लगवाना चाहिए और आदमी बढ़ाना चाहिए जो थर्मल जाँच करे। एक आदमी जाँच होगा नहीं, तो कैंपिंग का भी व्यवस्था होना चाहिए। यही सब करेंगे तब ना। मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए हाथ को, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए उससे भी इसमें। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, यात्रियों से बातचीत की, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि धनबाद के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी लोगों की जाँच की जा रही है। हम चलते हैं वहाँ का जायजा लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से जाँच अभियान चलाया जा रहा है और लोगों में कितनी सतर्कता देखने को मिल रही है। वहीं जब हम आज यहाँ धनबाद स्टेशन पहुँचे तो हमने यहाँ पर जांच पड़ताल की। ये बताया गया कि यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था 2 दिनों पहले शुरू की गई, लेकिन फिलहाल आज यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर सामने आई है कि केवल चुनिंदा 1-2 ट्रेनों के लिए ही थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई, यानी राजधानी सुबह और शाम में जो आ रही है उन लोगों में ही जो यात्री आ रहे हैं उन लोगों की जाँच की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जबकि हम धनबाद स्टेशन की बात करें तो काफ़ी संख्या में कई अलग अलग राज्यों से यात्री आते हैं, अलग अलग ट्रेन आते हैं, लेकिन केवल राजधानी के लिए व्यवस्था करना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न यहां पर जरूर उठ रहा है। अब देखते हैं कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की जाती, क्योंकि जिस प्रकार से एक बार वापस से कोरोना ने दस्तक दी है, लोगों के अंदर अभी भी कोरोना को लेकर सजगता हम नहीं देख सकते हैं। स्टेशन और बस स्टैंड जैसी जगहों पर बिना मास्क के लोग बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोग एक बार सजग हो जाए और साथ ही साथ प्रशासन एक बार सही ढंग से इन तमाम जगहों पर जहाँ से लोग बाहर दूसरे हम कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उन तमाम जगहों पर सही तरीके से जांच की जाए, ना सिर्फ थर्मल स्कैनिंग की जाए बल्कि और भी जो है उनकी कोविड टेस्ट की जाए। देखते हैं कि कब इस पूरे मामले पर एक एक्शन लिया जाता है और कोरोना को लेकर लोगों के अंदर भी सजगता आती है। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।